दरगाह आले रसूल खान काहे वामिकिया निशातिया का 79वां उर्स का आगाज 21 को बरेली के बारादरी क्षेत्र में दरगाह आले रसूल खान काहे वामिकिया शाहदाना वली रोड पर 79वां उर्स आले रसूल का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्स का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें नाइब सज्जादा नशीन हुजूर बदरे तरीकत सैयद असलम मियाँ वामिकी जिलानी ने पोस्टर जारी करते हुए बताया कि इस साल सैयदुल मशायख व हज़रत सैयद वामिक मियाँ का और ताजुल औलिया हज़रत सैयद निशात मियाँ का उर्स 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दरगाह आले रसूल में मनाया जाएगा। खानकाह वामिकिया का सिलसिला तरीकत जो है वो किछोचा शरीफ से है, और वैसे हज़रत सैयद वामिक मियाँ जो साहिब मज़ार हैं, ये सरकार गौस पाक की 22वीं औलाद में से हैं और फातमी सैयद हैं। इक्कीस तारीख को सुबह में 10 बजे कुरान खानी से उर्स का आगाज़ होगा, और बाद नमाज ज़ुहर कुरान जुलूस निकलेगा बाग अहमद अली तालाब से, जो मुख्तलिफ अपने पुराने कदीमी जगहों से होता हुआ मगरिब की नमाज यानी 7 बजे तक यहाँ आ जाएगा। रात को मिशा की नमाज के बाद मिलाद होगा, और उसके बाद महफिल सिमा कव्वाली और ख़ास तौर पर हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का देर रात तकरीबन 1 बजे कुल शरीफ होगा, और दूसरे दिन यानी 22 अक्टूबर को सुबह में कुरान खानी होगी, और जहर के बाद से हजियापुर काकाटोला ब्रह्मपुरा शाहबाद कुल्हावा पीर आज़म नगर इन मुख्तलिफ इलाक़ों से चादरों का जुलूस आएगा, जो इशा की नमाज यानी 8 बजे के बाद आस्थाने में सरकारी खिलाफ जो सैयद जहांगीर मियाँ साहब की तरफ से पेश होता है उसके साथ सब पेश होगा। नगर निगम द्वारा कोई अगर तरीके की और इसी के साथ एक आखिरी दिन जो है 23 अक्टूबर है, जिसमें सुबह 10 बजे से महफिल कुल का आगाज़ होगा और 1 बजे कुल शरीफ होगा। उसमें ख़ास तौर पर जो खिताब है तकरीर जो है वो डॉक्टर महमूद साहब की होगी, और 1 बजे के बाद लंगर आम होगा सब के लिए। नगर निगम से क्या कुछ अपील लगाते हैं? नगर निगम में हमारे यहाँ जो हर साल एप्लीकेशन जाती है, अगर उस पर अमल हो जाता तो ठीक है, वरना हम अपने खानकाह के लिए खुद ही मेहनत कर लेते हैं। अच्छा, मुरीदीन जो यहाँ पर आते हैं वो किस किस जगह से आते हैं? मुरीदीन तो मुख्तलिफ गुजरात महाराष्ट्र यूपी आसपास के ज़िले कस्बे गांवों से आते हैं। जो कव्वाल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो हिंदुस्तान के मशहूर सरकारी कव्वाल जैसे कलिया शरीफ है, अजमेर शरीफ है, इस तरह से बरेली है, रामपुर है, इस तरह से अपने लगभग कितने कव्वाल आएंगे? अब ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने दावत दी है, आने पर ही बताएंगे। अच्छा, खानकाह के कुछ ऐसे लोग मेहमान में किसी को आपने बुलाया है? मेहमान नहीं, हमने सबको बुलाया है, अपने जो खानकाही लोग हैं, जो सिलसिले के लोग हैं, दावत हमारी तकरीबन हिंदुस्तान भर में पहुंची है, और जो आएंगे उनकी खबर हमारे पास आती रहेगी। उनके लिए हमने वामिकिया एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों को तमाम जिम्मेदारियाँ दे दी हैं, जो खानकाह का बैनर है उसी से हमारे यहाँ सब काम देखे जाते हैं। ये रहेगा कि हज़रत साहिब मज़ार सैयद वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जो खुद लिखा हुआ दीवान है नात का तौसीफ़ सरकार अरब, वो छप चुका है, जो तकरीबन 106 साल के बाद छपा है। उसका कुल वाले दिन ज़्यारत भी कराई जाएगी और लोगों को दिया भी जाएगा। प्रोफेसर महमूद हुसैन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, बरेली कॉलेज, बरेली। जानेंगे आज के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। आज साहिब मज़ार हज़रत सैयद सैयदुल मशायख अल्लामा सैयद फिदा अली वामिक बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह औलाद गौसे आज़म में से हैं। आपके आबाओ अजदाद बगदाद इराक़ से मुल्क रोहिलखंड कमोबेश 1707 जो रोहिला पीरियड है उस पीरियड में यहाँ तशरीफ़ लाए। इस सिलसिले के पहले बुज़ुर्ग सैयद कादरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके 6 फ़र्जंद हुए। उनमें आखिरी फर्जंद जो है सैयद बबर अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके बेटे सैयद मर्दान अली कादरी और उनके बेटे सैयदुल मशायख साहिब मज़ार सैयदना वामिक मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुए, जिनका कि हम उर्स की तकरीब के सिलसिले में ये मीटिंग कर रहे हैं। सैयदुल मशायख सैयदना वामिक मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के बड़े जैद आलिम, जैद मुफक्किर, जैद कलमकार और तर्जमा निगार, बेहतरीन शायर, बरजस्ता शायर, फिलबदी शायर, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें ये विरसे में अता की थी। चूँकि यहाँ
उनके आबाओ अजदाद का पहले से ही एक खानकाही निज़ाम था। सैयद बबर अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद मर्दान अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात के यहाँ पहले से इस तरह की महफिलें आरास्ता और पैरास्ता होती थीं। इस बुनियाद पर वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर व सुखन की दुनिया के अंदर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में काम किया और इन्हीं से पढ़ा, इन्हीं से इब्तिदा से इंतहा तक तमाम तालीम हासिल की। और हासिल करने के बाद इनका कोई और उस्ताद नहीं था, सिर्फ इनके वालिद माजिद ही इनके उस्ताद थे। अपने वालिद से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कमोबेश छोटी बड़ी कई किताबें तहरीर की जो कलमी सूरत में महफूज हैं। ख़ास तौर पर एक इल्म तकसीर जो डिवाइड करते हैं, जैसे हमें 5-5 को डिवाइड करना है, इस तरह का इल्म तकसीर कहलाता है जो तावीज़ में भी काम आता है और मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इल्म तकसीर में उन्होंने कमोबेश 16-17 सफ़े मुझे रिसर्च के दरमियान में मिले थे और बड़ी अहम किताब है जो वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, मगर वो अपनी ज़िंदगी में इस किताब को मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। इसका हमें अफसोस है। हमें जिस दौर के अंदर जो 100 बरस के बाद में किताब मिली, इससे ही अंदाज़ा होता है कि किताब यकीनन बहुत ज़्यादा ज़खीम होगी, बड़ी अहम किताब होगी, मगर जो हम तक 100 बरस के बाद पहुँची वो सिर्फ चंद सफ़ात पर ही मिली। इसके अलावा सैयदुल मशायख सैयदना वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ एक तरफ जलील कद्र बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने शेर व शायरी के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ख़ास तौर पर नातिया शायरी, ये पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने ऐसा मुनफरिद और मुमताज़ और ऐसा शानदार कलाम कहा कि जिसमें उन्होंने कहीं भी अपने पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का अदब और एहतराम को सामने रखते हुए कहीं भी आपका नाम लफ्ज़ मोहम्मद का इस्तेमाल पूरे दीवान में कहीं नहीं किया। 500 से ज़ायद सफ़ात पर यह मुकम्मल दीवान है और इसकी खासियत ये है कि मीर तकी मीर जो हिंदुस्तान का सबसे अजीम तरीन शायर है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने अलिफ से लेके ये तक की रदीफ में अपना कलाम कहा है। वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की खसूसियत है कि उन्होंने उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए अलिफ से लेके ये तक बेशुमार कलाम कहे हैं। वामिक मियाँ की एक खसूसियत ये भी है कि जो आपसे पहले के जो शोरा हैं उन्होंने मिसाल के तौर पर अलिफ की रदीफ में 2 कलाम कहे, बे की रदीफ में 3 कलाम कहे, से की रदीफ में सिर्फ 5 शेर कहे, मगर वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ये खासियत है कि हर रदीफ में कम से कम 2-3-4 और बाज़ रदीफ़ें, ख़ास तौर पे या की रदीफ है, ते की रदीफ है, स्वात की रदीफ है, खे की रदीफ है, इस सख्त तरीन रदीफ़ों में उन्होंने 5-5, 6-6, 10-10 कलाम तक कहे हैं। ये वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की आलमी खसूसियत कहा जा सकता है और शेर व शायरी में उनकी बुलंद परवाज़ी कही जा सकती है। इसके अलावा वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान करीम का तर्जमा भी किया है। कुरान करीम का तर्जमा जिसका नाम नूरुल फुरकान फ़ी तर्जमतिल कुरान है, इस कुरान की खासियत यह है कि इस शहर बरेली के अंदर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने भी कुरान करीम का तर्जमा किया और बहुत सादा सलीस और बामुहावरा तर्जमा किया। वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी, वही ज़माना है, वही वक्त है, उसी पीरियड के अंदर उन्होंने भी तर्जमा किया। फ़र्क यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने तर्जमा किया, उसके बाद आपका विसाल हुआ, उनकी ज़िंदगी में उनका तर्जमा नहीं शाये हो सका। वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी में भी उनका तर्जमा नहीं शाये हुआ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का तर्जमा नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर के साथ उनके विसाल के बाद में शाये हुआ, मगर वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि जज्ब की हालत में रहते थे, सूफ़ी थे, सूफ़ी मनुष्य थे, लोगों की खिदमत किया करते थे, खिदमत खल्क के लिए कोई हो, अपना हो, पराया, सब के लिए खिदमत करते थे, उसमें वो मसरूफ़ रहा करते थे और उस दुनिया में रहा करते थे जहाँ तरके दुनिया यानी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था। ऐसी सूरत हाल में वामिक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान के तर्जमे के साथ साथ कुरान की तफसीर भी की और उस तफसीर का की खसूसियत यह है कि जहाँ सख्त अल्फाज आए हैं वहाँ पर उन्होंने मार्क करने के बाद में उस सख्त लफ्ज़ की बाज़ाब्ता तशरीह तौज़ीह बहुत खूबसूरत तरीके से की है। दोनों तर्जमों का अगर मुवाजना किया जाए तो दोनों तर्जमों के अंदर पढ़ने के बाद में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तर्जमा कमोबेश आला हज़रत फाजिल बरेलवी
और वामिक मियां रहमतुल्लाह अलैह एक ही ज़माने में हुआ है, एक जैसी ही उर्दू है और वो भी साइंटिफिक तर्जमा है, ये भी साइंटिफिक तर्जमा है, वो भी बा मुहावरा है, ये भी बा मुहावरा है, दोनों तर्जमे अपनी लाफानी तर्जमे हैं। इस तरह वामिक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सा फ़ारसी में भी कलाम कहा है। फ़ारसी के अंदर एक दो कलाम नहीं है, अगर वो सारे कलाम को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वामिक मियां रहमतुल्लाह अलैह का जो एक दीवान अभी पब्लिश्ड हुआ है, शाये हुआ है तौसीफ़े सरकारे अरब के नाम से, एक दीवान और फ़ारसी के अंदर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तैयार हो जाएगा आइंदा साल तक, और वो भी इंशाअल्लाह शाये होगा। इसके अलावा वामिक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहारिया कलाम भी कहा है, यानी इश्क़े महबूब में डूब कर और इतने डूब कर कलाम कहा है, वो सबको इकट्ठा एक जगह कर दिया गया है, इंशाल्लाह उसको भी एक किताबी सूरत में जमा किया जाएगा। तो वामिक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शख्सियत के तीन कलाम, तीन दीवान इंशाल्लाह।